ये जनता की टिकट है, 36 बरादरी की टिकट है। लोगों ने इतना साथ दिया और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, इन सब का और हमारी जनता का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास जताया और रोहतक की जनता के ऊपर, रोहतक लोकसभा की जनता के ऊपर, 36 बरादरी पर विश्वास जताया कि भी अरविंद शर्मा को कमल का फूल दे करके भेजा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार 400 पार में रोहतक भी कहीं पीछे नहीं रहे। तो इससे पहले अगर बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो है रोहतक कम आते थे, लेकिन आप पहले से ही पूरे रोहतक में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, क्या फर्क है? देखिए चुनाव में, देखो सुनो, चुनाव में सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो पांच साल कोविड के समय उठा करके देख लो, सवा दो साल कोविड चला और कहीं भी, मेरे ख्याल रेलवे रोड पर कई दफा हमने रोड शो किए होंगे, लोगों के हाल जाने होंगे, लोगों से बातचीत की और कई समय समय पर, तो हमने कभी राजनीतिक तौर पर ये काम नहीं किया। हमने सेवा ही संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन, जिस दिन से चुनाव जीते उसी दिन से चुनाव में लगे हुए, 2019 से। अरविंद जी, जिस तरह से कांग्रेस की एक भी सीट जो दावेदार उम्मीदवार है उनकी घोषणा नहीं हुई, बीजेपी ने 10 की 10 कर दी है, ये कांग्रेस का अपना इंटरनल, सभी को नाम घोषणा कर दी जाएगी, इंटरनल मैटर है, वो अपने सोच विचार कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कर दिया। ये कहते थे हमारे को, तो ये भी कहते थे, आप लोग भी पूछते थे, भाई 6 हो गई है, 4 कब होंगी? हम कहते थे हमारी 6 तो होगी, इनकी बताओ कब होगी, तो हमारी 10 हो गई है। वो क्या करते हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन वो आप रोहतक लोकसभा को क्या चुनौती मानते हैं इस बार? देखिए इलेक्शन चाहे सरपंची का हो, इलेक्शन सरपंची का हो, जिला परिषद का हो, ब्लॉक का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, इलेक्शन हमेशा चुनौती रहता है, इलेक्शन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और लेकिन हमें पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के हर कैटेगरी के लिए, हर तबके के लिए, किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, गरीब हो, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर तबके के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर तबके के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सबसे बड़ा काम अंत्योदय, आखिरी छोर तक के लिए काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा सरकार में खट्टर साहब ने भी बहुत काम किए, और आप देखेंगे पूरे दोनों डबल इंजन की सरकार ने खूब काम किए। मैं कह सकता हूं दावे के साथ 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिले। बीजेपी नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन बीजेपी क्यों डरी हुई है? तरुण गांधी का टिकट काट दिया, इतने बड़े सीनियर लीडरों के जो टिकट काट दिए हैं, 5 हरियाणा में नए चेहरे बदल दिए हैं। देखिए ऐसा है, डर नहीं, पार्टी का अपना संसदीय बोर्ड है, पार्टी में नाम जाते हैं, वो चर्चा करते हैं, पार्टी देखती है किसका क्या है, सारा सिस्टम है, उसमें कोई बात नहीं। टिकट कटना कोई पैमाना नहीं होता, हो सकता किसी का टिकट कटा, उसको कुछ और जिम्मेवारी मिलती, पार्टी में कोई और जिम्मेवारी दी जा सकती, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो कटना कोई पैमाना नहीं है। पार्टी हरेक कार्यकर्ता को का मान सम्मान करती है, हरेक कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की बात है। जिस तरह इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे जो हंगामा हो रहा है, उसके चंदे पर जो बीजेपी के आरोप लग रहे हैं, अरे आप देखिए, पहले चंदा जो लिया जाता था, पहले 2014 से पहले आप दे दो ना हिसाब, 2014 से पहले 10 साल सरकार रही, आप चंदे का हिसाब दे दो, है ही नहीं, सारा कैश में था, अब कम से कम एक नंबर से सभी पार्टियों को चंदा मिलता, आप देख लो सभी पार्टियों को, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, साफ काम है, ट्रांसपेरेंट काम। लेकिन कांग्रेस के जो खाते सील करना, लोकतंतर में इस तरह पार्टियों के खाते सील होना, ऐसा नहीं हो, कानूनी तौर पर जो कानूनी तौर पर कार्रवाई है वो कार्रवाई होती है। केजरीवाल की जो गिरफ्तारी, उसको लेकर कह रहे हैं कि जो शराब घोटाला था, बिल्कुल वो ईडी, देखो ईडी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम कर रही है, ईडी कानूनी तौर पर काम कर रही है, कानूनी तौर पर जो पा रहा है उसको आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार को करेगा तो ईडी उसको कैसे बख्शेगी? लेकिन हाईकोर्ट ने जो ईडी को कार्रवाई है आगे तक रोक लगा दी है। नहीं, हाईकोर्ट का अपना काम है, कोर्ट अपने हिसाब से करती है,
और ईडी का अपना काम है, तो जो फैसला होगा कोर्ट करेगी फैसला। मिल रहे हो कितना अच्छा, कितना लोग बहुत रिस्पांस, 36 बरादरी में जबरदस्त रिस्पांस है, जबरदस्त। मोदी जी के कामों का, मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो लोगों के बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो मोदी जी का नेतृत्व हम सबको समझ में आता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसी दिशा में जो है सारा काम। धन्यवाद।